आज कोई व्लॉग नहीं, और आज मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल देना चाहता हूँ जितने भी व्लॉग्स चैनल है और जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके लिए। सो व्लॉगर्स के लिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है कि उसके व्लॉग्स में ऑडियो का होना। ऑडियो एक ऐसा चीज़ है जो आपके व्लॉग को यहाँ से यहाँ ले जाता है या फिर यहाँ से यहाँ भी ले जा सकता है, एंड वही सॉन्ग आपके व्लॉग्स को यहाँ से यहाँ ला सकते हैं। सो आज का मेरा मेन टॉपिक है व्लॉग्स के लिए ऑडियो आप कहाँ से ला सकते हो, क्योंकि अक्सर बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो कि व्लॉग के लिए सॉन्ग्स तो डाउनलोड करते हैं बट कहाँ से डाउनलोड करना ये नहीं जानते, और वो कर लेते हैं डाउनलोड कहीं से भी किसी भी चैनल से, दिन बाद में कॉपीराइट क्लेम पड़ जाते हैं उन्हें, तो फिर वो अचानक से ना सदमे में पड़ जाते कि भाई ये हुआ क्या। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं कि भाई क्लेम से कैसे बचा जाए। क्लेम से तो भाई मुझे भी नहीं पता ज़्यादा, शायद मुझे क्रोम ब्राउज़र में यूट्यूब खोल के आप उसे रिमूव कर सकते हो, बट वैसा नौबत ही मत आने दो। क्लेम से कुछ होता नहीं है, बट हर वीडियो पे क्लेम पड़ जाना मतलब कहीं ना कहीं आपके चैनल को टेक डाउन करता है थोड़ा सा। इसीलिए क्लेम खाने के लिए कब रेडी रहो, जब आपका व्लॉग में वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिलेट करता है आपके ऑडियंस के साथ और कम्युनिकेट करता, तब आप ऐसा रिस्क ले लो जो आपके व्लॉग में वो गाने के थ्रू आपका व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है तब। अदरवाइज़ अगर आपका व्लॉग नॉर्मल है और आप चाहते हैं कि अच्छा खासा म्यूज़िक यूज़ हो जाए बट आपको पता नहीं कि आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो मेरे पास दो चैनल्स है जहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ और वो कई गुना अच्छे गाने और हर दिन अपलोड करते हैं। सो फर्स्ट चैनल है ऑडियो लाइब्रेरी, और उसी का और एक उसी नाम से है, एक का लोगो रेड कलर का है और एक का लोगो ब्लैक कलर का है। अगर आपको नहीं मिलता होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता उसके लिए। एंड आपके पास अगर थोड़ा पैसा है तो आप एपिडेमिक साउंड यूज़ कर सकते हो, 30 डे का फ्री ट्रायल है और वहाँ पे बहुत एकदम मस्त मस्त गाने हैं भाई वहाँ पे, बट मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता और मुझे उतना सब्सक्रिप्शन लेने वगैरह नहीं आता, तो इसलिए मैं उस चीज़ को प्रेफर नहीं करता हूँ एज अ बिगिनर, ठीक है। सो और गाना मतलब आपके व्लॉग में ऑडियो को किस तरह से यूज़ करना है वो मैं किसी दूसरे व्लॉग मतलब दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई वो एडिटिंग कैटेगरी में लाऊंगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ हो गया कि भाई आप आपके गाने आपके व्लॉग्स में गाने किस तरह से यूज़ करोगे, मैं वो अगले पार्ट में। अभी बस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड करोगे एंड कॉपीराइट क्लेम से कैसे बचोगे, ठीक है। सो अब आ रही आते सेकेंड टू, आप आपके व्लॉग्स में गाने यूज़ करते तो कोशिश करके बीट के साथ खेलना, ठीक है। अब कुछ भी शूट करते तो पहले इमेजिन करो कि भाई यहाँ पे स्लो मोशन होगा या फिर स्पीड होगा, स्पीड रैंप, ये सब आपको ध्यान देना। व्लॉग शूट करते टाइम आपको कुछ कुछ सिनेमैटिक देना चाहिए, क्योंकि व्लॉग्स में अगर सिनेमैटिक्स नहीं होंगे, ऑडियोज़ नहीं होंगे तो आपका व्लॉग ऑब्वियसली सी बात है कि इंटरेस्टिंग नहीं होगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना कि व्लॉग्स के साथ सिनेमैटिक्स और ऑडियो के साथ भी खेलना पड़ेगा, तब थोड़े मज़े आएंगे वीडियोज़ के, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। एंड फिर कभी बात करूँगा एडिटिंग को लेके कि किस तरह से मैं एडिटिंग करता हूँ, और थोड़ा बहुत स्टोरी टेलिंग भी करना पड़ता है मेरे व्लॉग्स में जिस तरह मैं करता हूँ। कभी कभी मैं डेली व्लॉग्स टाइप का व्लॉग्स कर लेता हूँ, तो कभी कभी मैं स्टोरी टेलिंग भी कर लेता हूँ। मुझे स्टोरी टेलिंग करना पसंद है, बट स्टोरी टेलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम एंड बहुत कुछ थोड़ा लिखना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग करना पड़ता है, तो वो डेली नहीं आ पाता है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ अपने चैनल पे एक्टिव रहना, इसलिए कभी स्टोरी टेलिंग कर देता हूँ तो कभी मैं डेली व्लॉग्स टाइप कर देता हूँ। सो आज का इस वीडियो का मोटिव ये था कि आप आपके व्लॉग्स के लिए गाने कहाँ से डाउनलोड करें। चैनल इन द डिस्क्रिप्शन लिंक लो, अब जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। एंड अगर पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मेरे चैनल को उसको तो करोगे ही ऑब्वियसली सी बात है। अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे गाने मिलते हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करोगे, साथ साथ मुझे भी कर लेना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। सो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।